साइड टेबल के पीछे कितनी मट्टी है और कितना जाला लग गया है। ये होती है डीप क्लीनिंग। सही है, सुकून मिल रहा है सफाइयाँ करके, नहा धो के, बाल बाल बना के। आई एम रेडी, ठीक है। और बस अब मैं निकलने लगी हूँ, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर ये कि भाई दो लिए हैं अम्मी। यकीन आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। चलें फिर, आप चेक करें खोल के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई आज है 9th of March, सैटरडे का दिन, मतलब कि आपकी बहन का छुट्टी का दिन है। आज आपकी बहन घर पर है। अब घर पर है तो आज मैं सोचा कि भाई आज करने घर के काम। घर के काम में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, ठीक है, मुझे सफाई करनी है, मॉप वगैरह लगाना है, किचन जाके किचन की क्लीनिंग करनी है, ठीक है, और बहुत सारे काम है वो करने। सो आज जो है वो घर की सफाइयों वाले काम करने हैं। सही है। इन अदर न्यूज़ भाई, अम्मी लोग जो है वो गए हुए हैं डॉक्टर के पास। एक तो पापा के कुछ टेस्ट थे जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे तो वो करवाने थे। सेकेंडली अम्मी को कुछ रमज़ान की अभी तैयारियाँ करनी थी तो उनको वो काम करने थे, तो इसलिए मैं उन लोगों के साथ नहीं गई। मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं है, आप लोग चाहे मैं घर पर हूँ, मैं करूँगी आज घर के काम। सही है गाइस, तो चलें फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, डे स्टार्ट करते हैं और फटाफट से घर के काम करते हैं, ठीक है, आ जाए फिर। सो भाई पहली शुरुआत जो मैंने की है ना वो मैंने अपने रूम से की है, ठीक है। सारी मैंने बेडशीट वगैरह इसकी उतारी है, अभी मैं पूरी इसकी मैंने डस्टिंग वगैरह की है, अभी इस पर शीट बिछाते हैं, ठीक है, रूम को थोड़ा सा सुधारते हैं। सो भाई ये देखें, साइड टेबल के पीछे कितनी मट्टी है और कितना जाला लग गया है। ये होती है डीप क्लीनिंग। सही है, जब आप चीज़ें हटा हटा के सफाइयाँ करते हैं ना तो इसे कहते हैं डीप क्लीनिंग। चलें जी गाइस, रूम नंबर 1 से हम लोग हो चुके हैं फारिग। सही है, पूरा रूम मैंने कर दिया है सेट और अब हम एंटर हो रहे हैं अपने रूम नंबर 2 पे, ठीक है। इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है, यहाँ पर भी मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, इसकी भी चीज़ें समेटूंगी, ठीक है। और साथ ही जोहर की अजानों की आवाज़ भी आ रही है, मतलब कि जोहर का वक्त भी हो चुका है, ठीक है। सो आधा दिन तो हमारा अभी गुजर चुका हुआ है और काम अभी हमारे आधे भी नहीं हुए। सो भाई रूम की मैंने कर दी है डस्टिंग, ठीक है जी, और अब इस पर मैंने बिछानी ये वाली चादर, मैजिक कर दे ऐसे। और भाई ये भिज गई चादर हमारी, ठीक है भाई, रूम बिल्कुल सेट हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। अच्छा भाई अब पता नहीं मैजिक कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा। सही, फिलहाल इस रूम को करते हैं बंद, ठीक है, ये हो गया पब्लिक के लिए बैन, अब ये बंद ही रहेगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे दूसरे कामों के लिए, लेकिन मैं सोचूँ कि पहले नमाज़ पढ़ लूँ क्योंकि नमाज़ का टाइम भी हुआ भाई है, तो फिर पहले फटाफट से नमाज अदा कर लेते हैं। सही, फिर बाद में रिमेनिंग काम करेंगे। सो भाई शाम के 4 बज गए हैं काम करते करते, और बस अभी फारिग हुई हूँ शावर लेके, तो मैंने कहा चले आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं। भाई मैंने फिर उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा व्लॉग के चक्करों में मेरा काम लेट हो जाएगा और काम लेट हो जाएगा तो फिर मेरे काम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने कहा पहले फटाफट जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ, ठीक है। मैंने सारी जो है वो क्लीनिंग कर ली, झाड़ू लगा, उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, देन फिर मैं वहाँ से फारिग होकर मैंने कहा फटाफट से शावर ले लूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ। सो बस अब सारे कामों से फारिग हुई हूँ, तो मैंने कहा चले अब आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगा रहे थे, ठीक है भाई। सो बस अब ये कहते बार बार बनाते हैं, थोड़ी अपनी स्किन केयर करते हैं, उसके बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। भाई शाम हो गई है, लंच तक नहीं किया और घर वाले भी अभी तक नहीं आए। सही है, फिर अम्मी ने मुझे मैसेज कर दिया था कि बेटा हम लोग लेट हो जाएंगे तो तुम लंच कर लेना, तो फिर मैंने कहा मैं नहा धो के ही अब लंच करूँगी आराम से बैठ के, ठीक है। चलें जी गाइस, डन विद स्किन केयर, बाल बाल बना ली है, नर फीलिंग सो रिलैक्स, ठीक है, इतना लाइट फील कर रही हूँ, सुकून मिल रहा है सफाइयाँ करके, नहा धो के, बाल बाल बना के। चलें अब कुछ खा लेते हैं, आ जाएं चलते हैं किचन में। सो भाई आज लंच तो मैंने कुछ बनाया नहीं क्योंकि अम्मी लोग भी नाश्ता करके सुबह ही चले गए और उसके बाद मैं जो हूँ जहर सी बात है पूरे घर कामों में बिजी हो गई, तो लंच वगैरह तो कुछ बनाया नहीं, इसे रात को जो भी बचा कुछ है अभी फिलहाल वही खाएंगे, और वैसे भी शाम के 4 बज रहे तो अब क्या लंच किया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ लाइट सा ही लूँगी ताकि फिर रात में प्रॉपर वक्त पर खाना खाया जा सके। सो बस ये एक अदर सैंडविच बचा हुआ था रात का, मैंने इसको ही गर्म कर लिया, बस अभी यही खाऊंगी बस जी गाइस। सो भाई असर की अजान हो चुकी है, ठीक है, और शाम के 5 बज रहे हैं और फाइनली अम्मी लोग जो है वो घर आ चुके हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इन लोगों का इंतजार करी थी, मैंने कहा ये लोग कब आएंगे, खैर अब ये लोग आ गए और अब मैं जो हूँ वो निकलने लगी हूँ पार्लर के लिए, ठीक है, जो कि एक हफ्ते से ओवर ड्यू हुआ है, मैंने लास्ट वीक भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी थी, सो फिलहाल अभी मैं जाने लगी हूँ पार्लर। ठीक है भाई, कपड़े मैंने अपने इस्त्री करके रखे हुए हैं, तैयार होते हैं अब। सो गाइस आई एम रेडी, ठीक है, और बस अब मैं निकलने लगी हूँ, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर ये कि भाई मोबाइल की बैटरी लो है, तो ये मोबाइल साथ नहीं जा सकता, क्योंकि अभी साथ नहीं जा सकता तो कोई व्लॉग भी नहीं बन पाएगा बीच का, ठीक है। सो घर वापस आके फिर आप लोगों से कनेक्ट करूँगी। सही गाइस,
सो गाइज आई एम बैक, और अब कैसा लुक आ रहा है आफ्टर विजिट फ्रॉम पार्लर? सही है, काफ़ी क्लीन हो रहा था बंदा, वरना तो मुझे बड़ी हो गई थी, मुझे अजीब ही लुक आने लग जाता था। मैंने कहा भैया आज भागो जल्दी पार्लर, अजीब ही खुद को भी फील हो रहा होता है। और हमारी अम्मी भी आ गई हैं गाइज, क्या खा रही है अम्मी? सब्जी खा रही हैं। क्या हुआ, भूख लग रही है आपको? कुछ खाया नहीं चाय के साथ? बिस्किट वगैरह खाने चाहिए थे ना। सो गाइज आपकी बहन कुछ शॉपिंग भी कर कर आई है स्टाइलों से, सही है? वही मैं केडीए मार्केट गई, मैंने कहा मुझे एक शूज़ लेना था, तो मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं, अगर तो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो चले आए चले जाएंगे घर, सही है? सो बस वो इत्तेफाक से जो मुझे शूज़ मिल गए, मुझे ऑफिस के लिए चाहिए थे, सही है? तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, पसंद भी आ गए, दिखाते हैं अम्मी को भी, ज़रा आपको भी दिखाते हैं। ये देखें भाई, पहले कौन सा खोले? दो लिए हैं अम्मी, यकीन आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। चलें फिर आप चेक करें खोल के। चलो जी पहले अम्मी से खुलवाते हैं। दिखाया तो सही। चलें देखें आपके लिए लाई हूँ। मेरे लिए क्यों लाई अम्मी? आपकी सॉफ्टी घर की खराब हो गई थी, पहन के देखें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहने भाई। पहन के देखें भाई, ऐसी मुझे बस पसंद आई चलते चलते, मैंने कहा चलो अगर अम्मी का साइज है तो सही है। सही है साइज? सही है आपको साइज तो सही है। मुझे सॉफ्ट लगी थी, मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ अम्मी के लिए। आई थिंक इट्स गुड। सही है? सही है? ओके ओके भाई, ऐसी मस्त। जी देखें अम्मी ये शूज़ लिए मैंने अपने लिए, देखें सही है कि नहीं? जबरदस्त। ब्लैक मैंने पता नहीं कोई बचपन के बाद अब लिए, वरना मैं अब ब्लैक शूज लेना ही छोड़ दिए मैंने। मैं कलर्ड ही लेती हूँ, दिखाती हूँ। सो गाइज ब्लैक शूज बचपन में स्कूल में लेते थे, उसके बाद तो कभी लिए ही नहीं, तो अब मैंने एक आफ्टर लॉन्ग टाइम लिए। सही है ना मम्मी? ऑफिस के लिए रेगुलर वेयर बहुत जरूरी होता है, मुझे बहुत चलना होता है। सो नहीं बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह मंडे को अब यही पहनेंगे। सो भाई आज का डिनर मेन्यू कल का रिपीटेड है, ठीक है भाई? कल हमारा सारा डिनर बच गया, इतना कुछ बच गया, किसी ने सही से खाना नहीं खाया लग रहा है ऐसा। तो ये कल की चटनी है, ये बर्थडे केक है, और ये हमारा रशियन सैलेड, सारा बचा कुछ माल हमने जो है वो आज निकाल लिया डिनर के लिए, और ये कल के पराठे वराठे ये सब गर्म कर लिए मैंने। सो बस अब डिनर करते हैं, ठीक है? आज कुछ भी नहीं पकाया क्योंकि आज इतना कुछ फ्रिज में पड़ा हुआ था, मैंने कहा भाई फ्रिज खाली करो। सो आज हम सारा यही खा के ख़त्म करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह कुछ अच्छा सा खाना बनाएंगे। सही गाइस? जी गाइस। सो भाई डिनर वगैरह से हो चुके हैं फारिग, और आज फिर हमारे घर में लाइट जा चुकी है, ठीक है? फिलहाल जनरेटर ऑन है। सही है, समझ में नहीं आ रहा कि भाई कल से ये सिलसिला चल चुका हुआ है, लाइट जा रही है, और बस रमज़ान आने वाला है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों आने वाला है। सही है। सो भाई इन अदर न्यूज़, आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज कि मेरे जो भी टारगेट्स थे, जो मेरे काम थे पेंडिंग, वो मैंने आज पूरे कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कर डाले मैंने आज, सफाइयाँ वफाइयाँ कर ली, जो मुझे अपने काम पर्सनल अपने मेरे काम थे मैंने वो भी कर लिए। सो आई एम डन, ठीक है? और मुझे ये था कि रमज़ानों से पहले पहले कर लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सारे काम हो गए। सही गाइस। सो आज का मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गुजरा, ठीक है? सो इसी खुशी में आज का व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है? उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप लोग को आज की वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज़ वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बहन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट, ठीक है? सो मिलते हैं आपसे दोबारा ऐसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।